निकल गया था मैम, उसके बाद मैंने लिए शेयर्ड कैब, उसके लगे 50 रुपीज़। मैम मैं जा रहा हूँ मामलू विलेज, वहाँ से मेरी होगी केव एक्सपेडिशन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, मिलते हैं भाई। सो मैं उस केव वाले काम करने के लिए आ गया था यहाँ पे। टॉर्च ला रहे हैं, उसमें शेल डाल रहे हैं इनके शूज, एंड इसके बाद हम जाएंगे केव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं इस केव में। केयरफुल केयरफुल। तो पहुंच चुके हैं हम इस केव में, अब बस रेडी हो रहे हैं, जाएंगे केव के अंदर। रेडी फॉर द केव टूर। रेडी भैया? रेडी रेडी रेडी। दिस इज कॉल्ड अ रीफ, रील आई पिक रीफ ना। ओह बैट्स। सो वी आर इनसाइड दिस केव, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, बहुत बिल्कुल डार्क केव है, पानी भी घुटनों तक है यहाँ पे। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट एंड दैट इज कॉलम्स। व्हेन दे रेस्ट टुगेदर स्टेलेक्माइट स्टेलेक्टाइट, व्हेन दे विल जॉइन टुगेदर दे विल बिकम कॉलम्स। कॉलम्स, या इंटरेस्टिंग। दैट्स अ रियली बिग कॉलम। और सर फाइनली इस केव से निकल के आ चुके हैं हम। वो केव में 3 घंटे बिताए हमने केव में, एंड बहुत मज़ा आया केव में भाई। पूरा अंधेरा था, बहुत सही सीन था अंदर। मतलब इतनी पुरानी केव है ये, इस केव मतलब मैं खाली नहीं, इससे पहले की केव है ये, बहुत सही केव थी भाई। तो गाइड थे मेरे साथ, फिर से घुमाया मुझे, एंड पानी अंदर घुटनों तक पानी था। कपड़े देख सकते हैं, पूरे कपड़े मेरे भीग चुके हैं, और इतना ठंडा पानी था। अंदर बैट्स भी थे, चमगादड़ भी थे, एंड छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी थे। सो थक चुका हूँ, बहुत भूख लग रही है, या निकलते हैं यहाँ से अब। लिटरली बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। तो उम्मीद मतलब उम्मीद थी मुझे मज़ा आएगा, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। मतलब काफ़ी न्यू चीज़ थी, काफ़ी न्यू एडवेंचर था मेरे लिए ये केव वाला। सो लेट्स गो एंड हैव सम फूड। सो फाइनली अपने होम स्टे में पहुँच चुका हूँ मैं। ये मेरा होम स्टे, नटारा होम स्टे, काफ़ी अच्छा होम स्टे, लेना हो तो आ जाना यहाँ पे। एंड अब बताऊँगा प्राइस उस केव का, उसका पैसा 2000 रुपीज़, क्योंकि केव तो फ्री है, बट तुमको पैसे भरने पड़े गाइड के लिए, जो तुम बिना गाइड के अंदर जा ही सकते हो। तो गाइड तुमको प्रॉपर गियर वगैरह देता है प्रोवाइड करके, तुम उसके थ्रू जाते हो अंदर। एंड यहाँ उसका प्राइस है 2000 रुपीज़, एंड अगर जाना हो तो ले जाना, नंबर डालूंगा डिस्क्रिप्शन। सो रात की बज चुकी है 9:30, एंड मैंने अब कर लिया है डिनर। मैं जब केवल जगह से आया था तो मैं बहुत थक गया था, तो मैं घर आके आती घर आके सो गया। एंड जब मैं उठा तब उससे मुझे थी 8, तो फटाफट ना आया, एंड मैं करने के लिए आया था डिनर। इस जगह का नाम है गोल्डन स्पून ढाबा, बहुत टेस्टी खाना था। मेरा बिल आया 200 रुपये का, इससे मैंने सूप मंगवाया, सब्जी मंगवाई, 3-4 रोटी मंगवाई। एंड आ सकते हो यहाँ पे। सो वापसी रूम में जा रहा हूँ, अब रूम में जाके सो जाऊँगा। सोऊंगा नहीं, मैं रेस्ट कर लूँगा, अभी सुबह सुबह उठना है मैंने 8 बजे। एंड कल का ट्रिप तो बढ़िया ट्रिप होगा, पूरी गाड़ी बुक करी है मैंने, मुझे पूरा वो डॉकी साइड ले जाएगा। डॉकी है बांग्लादेश का बॉर्डर, मतलब रिवर बेल्ट है, पॉन्ड
पॉन्ड लेक लेक टाइप की है, पूरी साफ। कल दिखाते हैं वीडियो में। बाय। द नेक्स्ट डे, सो सुबह मैंने अपने होम से चेकआउट कर लिया था एंड आज है 25th क्रिसमस एंड अब हम जा रहे हैं डॉकी। मैंने कैब बुक करी है पूरे दिन के लिए, डॉकी जाएंगे। रास्ते में रुके हैं मैगी खाने के लिए, मिलते हैं रास्ते में। वहाँ पे शूटिंग हुई थी रॉक ऑन मूवी की।